मैं सागर को स्वतंत्रता की तरह महसूस करती हूँ। सागर मेरी माँ और मैं उसकी बेटी हूँ। ये वो खिलाड़ी है जिसने पूरे देश में सर्फिंग के लहर की शुरुआत की। ये है तन्वी जगदीश। वो इस देश की पहली महिला पैडल बोर्डर है और इनके लिए आजादी का मतलब है सागर के साथ लहराना। जब मैं छोटी बच्ची थी तब से मैं समुद्र की शौकीन रही हूँ। हर रविवार को मेरे माता पिता मुझे समुद्र तट पर ले जाते थे। वहाँ एक नियम था, अगर तुम समुद्र तट पर जाते हो पानी में नहीं जा सकते हो। मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन ये मेरे लिए रुकावट नहीं बनी और पता नहीं बीच से लगाव हो गया। मैं हर रोज जाती थी और अभ्यास करती थी, हमेशा लड़कों के साथ अभ्यास करती थी। और जब पहली नेशनल चैंपियनशिप में लड़कियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ भी मिली और सबका एक ही प्यार था और वो था समुद्र। मैं 2016 में 16 साल की उम्र में वर्ल्ड कप के लिए गई। वहीं पहली बार भारत स्टैंड अप पैडलिंग वर्ल्ड कप में भाग लिया। मैंने काफी अभ्यास किया, लोगों ने मुझे पसंद किया और समर्थन दिया। क्राउड फंडिंग से मैं फिजी पहुंच गई। वहां पर समारोह में हमें भारत का झंडा लेकर जाना पड़ता है, वो मेरे लिए एक गर्व की बात थी। मैंने जो कुछ भी हासिल किया, जैसा भी किया, इसके सामने ये सब मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। मेरा सबसे बड़ा सपना है एक समुदाय बनाना जहां लोग सीख सकें। जब लोगों को पता चला कि सिखाने के लिए यहां एक महिला प्रशिक्षक है, आपको अंदाजा भी नहीं है मैंने पिछले 3 सालों में कितनी लड़कियों को सिखाया है, क्योंकि मैं बचपन से यही सपना देखते आई हूं। आपको सपने देखने का अधिकार है और उस सपने को हासिल करने का भी अधिकार है। बिल्कुल लहरों की तरह धैर्य रखें, डटे रहे, आगे बढ़िए और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखिए। तन्वी जगदीश ने भारतीय खिलाड़ियों के अगली पीढ़ी के लिए एक लहर की शुरुआत की। 7 समुद्र पर अपना परचम लहराएंगे। ऐसी प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां लेकर हम जल्द लौट आएंगे। आजादी की अमृत कहानियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत।